তৃণমূল সহ বিভিন্ন দল থেকে বিজেপিতে আগত নেতা ও কর্মীদের শুক্রবার কালচিনি বিজেপি কার্যালয়ে সংবর্ধনা প্রদান করা হলো। এদিন কালচিনি বিজেপি কার্যালয়ে এক সংবর্ধনা সভা আয়োজিত হয়। এদিনের সভায় কালচিনি বিজেপি বিধায়ক বিশাল লামা, কালচিনি 8 নম্বর মণ্ডল সভাপতি উত্তম লামা, কালচিনি বিধানসভা আহ্বায়ক অলোক মিত্র সহ অন্যান্য নেতৃত্ববর্গরা উপস্থিত ছিলেন। বিজেপি জিন্দাবাদ, 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 ফতে জনতা পার্টি জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ। पहले जो है तृणमूल के कुछ नेता जैसे अशोक लामा जी कैंडिडेट भी था, तो आज जो है उनके पूरे टीम लगाए परिवार के संजय लामा जी जीएस थे हमारे उनको जो है आज मंडल ऑफिस में स्वागत किया गया है पार्टी में, और उनके पूरे टीम को राजेश लामा जी, नूर जी, अमीर लामा जी, ये सबको जो है आज मंडल ऑफिस में भारतीय जनता पार्टी कार्यालय जो है स्वागत कार्यक्रम रखा गया है। इन्होंने जो हमारे मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार का जो है एक सुशासन चल रहा है, और आप जानते हैं बंगाल में जिस प्रकार की राजनीति हो रही है, यहाँ पे इतनी अराजकता फैली हुई है, आज जो है जहाँ तहाँ आप देखेंगे भ्रष्टाचार, अराजकता, दुर्नीति, ये सब चल रहा है। तो आज जो है पूरे बंगाल में जनता समझने लगे हैं कि जिस प्रकार की ममता की शासन चल रही है, इससे जो है बंगाल का भला होने वाला नहीं है। तो आज पूरे बंगाल में, आज यही नहीं, बहुत सारे जगहों में जो है तृणमूल छोड़ के भाजपा में शामिल हो रहे हैं। इसीलिए हो रहे हैं कि जिस प्रकार की दुर्नीति आज पकड़ रहे हैं, कभी मंत्री पकड़ते हैं, कभी मंत्रियों के जो है दुर्नीति पकड़ते हैं, कभी कोयला पाचार, कभी बालू पाचार, ये सब जो कुकृत्य देख के आज बंगाल का जनता जो है त्रस्त है। तो आज पूरे बंगाल में जो है आप देख रहे होंगे जो है तृणमूल छोड़ के भाजपा में शामिल हो रहे हैं, और आने वाले बंगाल के माने एक सुंदर भविष्य के लिए जो है सब जो है अभी जनगण अभी जुड़े हुए हैं। आज जिनका स्वागत किया गया वो पहले ही शामिल हो चुके हैं। हाँ जी, ये भाटपाड़ा में कार्यक्रम हुआ था, और आज फिर उनका पूरा टीम और उनसे थोड़ा और बढ़ के यहाँ पे आज मंडल में स्वागत हुआ है।